को अन्नदाता कहा जाता है और उन्हें अन्नदाता का दर्जा देने वाली सरकार किसानों के लिए भले ही बहुत सारी व्यवस्थाएं करे, लेकिन किसानों को परेशानियों का ही सामना करना पड़ता है। अंतोगत्वा सिर्फ और सिर्फ किसान परेशान होते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने किसानों की सही समर्थन मूल्य मिलने के लिए गेहूं क्रय केंद्र सरकारी स्तर पर खोलने के निर्देश दिए, लेकिन गेहूं क्रय केंद्रों पर सिर्फ और सिर्फ व्यवस्थाओं का अंबार है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़े से किसान काफी परेशान हो रहे हैं। किसानों का आरोप है कि न तो केंद्रों पर बैठने की व्यवस्था है, न ही सही से पैसा मिलता है, न समय पर पैसे का भुगतान होता है, न ही शुद्ध जल वहां पर मुहैया होती है। पूरी तरीके से केंद्र पर अव्यवस्था है, किसान परेशान हैं। वहीं जिम्मेदार अब कैमरे से बचाव करते नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारों ने कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया है। वहीं किसान काफी परेशान हैं। हमने कई केंद्रों का जायजा लिया तो कई केंद्रों पर चिलचिलाती धूप में किसान परेशान दिखे। तस्वीरों में जिस तरीके से आप वाहन को देख रहे हैं, ये किसान का वाहन है जो कि गेहूं की फसल बेचने के लिए आए हैं, लेकिन उनकी फसल दो दिन से नहीं बिकी। इसके साथ ही लगातार अन्य किसान भी क्रय केंद्रों पर परेशान हैं। जिले में 60 से अधिक क्रय केंद्र खोले गए हैं, यानी जिले में कुल संचालित 67 सरकारी क्रय केंद्रों पर जगह जगह अव्यवस्थाओं का अंबार है। कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है तो कहीं किसान बैठने के लिए परेशान हैं। कहीं किसानों को समय पर उनके फसल के बेचने के बाद भुगतान नहीं होता तो कहीं किसानों को अन्य प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। हमने किसानों से बात की तो किसानों ने अपनी समस्याएं बताई। न्यूज़18 लोकल से बातचीत में किसानों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ समस्या का सामना करना पड़ता है। क्रय केंद्रों पर न बैठने के इंतजाम है, न ही साफ सफाई रहती है, न ही शुद्ध जल मिलता है। पूरी तरीके से क्रय केंद्रों पर अव्यवस्था है। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों ने कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया। ऑफ कैमरा उन्होंने कहा कि जो भी कमियां हैं उन्हें दुरुस्त कराया जा रहा है। किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की वजह से नहीं होगी। सभी किसानों का समय पर गेहूं खरीदा जाएगा और उनके पैसे का भुगतान भी किसानों को समय से किया जाएगा। हम तो किसान ही हैं और लोगों को वहां जाने पे थोड़ा सा टाइम लगता जाता क्योंकि वहां लाइन लगी रहती है और समय से पैसे भी दिक्कत होती है लेने में। क्या मांग है आप लोगों की? मांग क्या, हमारा जो है समय से पैसा मिलना चाहिए और समय से हमारा काम हो जाना चाहिए। क्यों खरीदारी नहीं? पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ नहर भी है, नहर में भी पानी बहुत कम आता है। अच्छा, केंद्र पर भी पानी की व्यवस्था नहीं रहती? नहीं, केंद्र पर पानी है लेकिन अब पानी भी ठीक नहीं रहता है। आपको अब व्यवस्था है? आपकी ही मांग है कि वहाँ पर व्यवस्था सुधरे, सुधार हो जाए। ठीक, देखिए किसानों के लिए जो होता है व्यवस्था, वो व्यवस्था तो वहाँ होनी चाहिए, लेकिन किसानों को न वहाँ बैठने की व्यवस्था है, न पानी पीने की व्यवस्था है और लोग लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है। सही कीमत भी मिलना चाहिए और उनकी व्यवस्था के बारे में भी जो लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में सरकार सोचना चाहिए कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनके लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छा, तो पेमेंट अभी कहाँ जल्दी आएगा? जब पेमेंट आ जाए तो चेहरे पर खुशी तो अपने आप आ जाएगी। तो जैसे पेमेंट शिकायत आदमी करेगा तो किससे करेगा? आपके केंद्र पर जाएगा, वहाँ बोलेगा, जब ऑर्डर रिलीज होगा तभी तो आएगा।